AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर रह के लेटेस्ट जनरेशन के ऊपर अगर आप एक APU बेस्ड बिल बनवाना चाहते हो तो आपके पास ना एक ही ऑप्शन रहता है, Ryzen 5 5600G। और आज हम लोग इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल करके एक बेस्ट पॉसिबल चीपेस्ट गेमिंग पीसी बिल करेंगे, जहाँ पे अभी के टाइम आपको बेहतरीन लेवल का 1080p का गेमिंग मिल जाए और इन फ्यूचर के लिए आपको लेटेस्ट जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड और लेटेस्ट जनरेशन का PCI का सपोर्ट मिल जाए, ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना करना पड़े। कौन कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करना है सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन बजट के अंदर रह के काफी कमाल का वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप आगे देखते रहो, लेकिन उसके पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, हमेशा की तरह हम लोग का जो लाइक है वो तो इसको कंप्लीट कर देना। और अगर आपको इसी तरीके का गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड वीडियो देखने में मजा आता है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिमिर, आप देख रहे हो लूपहोल टेक, यानी टेक की अंदर की बात। बट बिफोर दैट, अगर आपको अपने लिए एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करवाना है तो आप इनका वेबसाइट को एक बार चेकआउट कर सकते हो, जो है techpc7.in। यहाँ पे आपको कुछ बेहतरीन प्री बिल्ड पीसी एंड कस्टम पीसी बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म को चूज करके प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम और बाकी का सारे कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट करके अपने लिए एक बेहतरीन कस्टम पीसी बिल्ड बनवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको सिंगल पीसी पार्ट्स बाय करना है तो भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है, ऑल ओवर इंडिया पे ये लोग शिपिंग करवाते हैं। अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन पीसी बिल बनवाना चाहते हो तो आप एक बार जरूर से इनका वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि मैंने कहा, Ryzen 5 5600G का प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला प्रोसेसर कमाल का प्रोसेसर है, Ryzen का 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, 6 कोर और 12 थ्रेड का ये वाला प्रोसेसर है, 3.9GHz का बेस एंड 4.4GHz यहां पे बूस्ट क्लॉक स्पीड जाता है। Radeon के 7 ग्राफिक्स कोर देखने को मिल जाता है, जो आपको 1080p लेवल का गेमिंग आराम से करवा देगा। अब बात करें इसका प्राइसिंग क्या चल रहा है, तो ये अभी भी थोड़ा बहुत ओवर प्राइस चल रहा है मार्केट के ऊपर, 23,400 रुपए का देखने को मिल जाएगा क्लैरियन कंप्यूटर के ऊपर। तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, Amazon एंड बेस्ट बाय लिंक दोनों ही मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। देखो, प्रोसेसर तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसेसर है, काफी ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है, और उसका फुल पोटेंशियल पे अगर इस्तेमाल करना है तो आपको इसके लायक एक मदरबोर्ड भी देना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर आप सभी लेटेस्ट जनरेशन का सपोर्ट मिले। अभी के लिए फिलहाल आप कर लो, लेकिन फ्यूचर पे आप ताकि लेटेस्ट जनरेशन का चीजों को इसके अंदर लगा पाओ, ताकि दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ASRock की तरफ से V550M Phantom गेमिंग वाला मदरबोर्ड का इस्तेमाल करो। बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, मतलब बजट के अंदर रह के अगर आपको एक सही मदरबोर्ड चाहिए ना, तो इस वाले मदरबोर्ड को आप डेफिनेटली इंक्लूड करना। इसके अंदर आपको Ryzen का सभी जनरेशन का सपोर्ट मिल जाता है, 47,000 MHz तक रैम को आप ओवरक्लॉक कर सकते हो इसके अंदर, मतलब समझ रहे हो, PCIe Gen 4 का सपोर्ट मिलता है। अभी बहुत सारा ग्राफिक्स कार्ड आने वाला, लेटेस्ट जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड आपको PCIe Gen 4 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो इस मदरबोर्ड के साथ आप उसको भी लगा सकते हो, जेन 4 का आप NVMe भी लगा सकते हो, मतलब जो सभी फ्यूचर प्रूफ रहेगा ना, ये वाला मदरबोर्ड बहुत अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली इस वाले मदरबोर्ड का आप इस्तेमाल करना इस पीसी बिल्ड के अंदर। अब बात करें इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग की, कैडियन कंप्यूटर के अंदर 8,200 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको बिल्ड करना नहीं आता तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, या फिर लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप खुद के लिए ब्रांड न्यू चमचमाता एकदम विंडो डाल के पीसी बिल्ड करवा सकते हो। और आप खुद से बिल्ड करना चाहते हो तो आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पे बात करेंगे रैम के बारे में। अब देखो, जब आप APU बेस्ड बिल्ड बनवाते हो तो रिकमेंड करता हूं मैं 16GB रैम का इस्तेमाल करो, क्योंकि ड्यूल चैनल रैम पे APU बिल्ड बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहां पे XPG की तरफ से D30 का 3200 MHz का रैम का इस्तेमाल करना है, जो आपको 8-8GB का दो दो स्टिक दो पेयर पे इस्तेमाल करना है, ताकि ड्यूल चैलेंज पे काम करे और आपका गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छा मिले। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो ये आपको क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर 5400 के अंदर देखने को मिल जाएगा, दोनों रैम का, टोटल 16GB की बात कर रहा हूं, तो इसको आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। अभी यहाँ पे बात आता है स्टोरेज की। अब NVMe के बगैर आजकल यहाँ पे पीसी बिल्ड नहीं बनता, क्योंकि मैं हर एक पीसी बिल्ड के अंदर रिकमेंड करता हूँ NVMe का इस्तेमाल करो, एटलीस्ट SSD का इस्तेमाल कर लो यार, ताकि आपका पूरा यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ रहे, ठीक है। हार्ड ड्राइव का सिर्फ इस्तेमाल करने से आज के डेट में कुछ नहीं होता, तो NVMe के लिए यहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा किंगस्टोन की तरफ से NV1 का इस्तेमाल करो, 500GB का यहां पे, अभी के लिए 500GB मोर देन सफिशिएंट रहेगा इस बिल्ड के लिए, इन फ्यूचर आप हार्ड ड्राइव ऐड कर लेना। अब इसके अंदर आपको डिसेंट लेवल का रीड एंड राइट स्पीड भी देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा 3 साल का वारंटी भी आता है, किंगस्टोन का ब्रांडिंग है, तो अच्छा ये वाला NVMe है, ले सकते हो इस वाले NVMe को। बात करते हैं कौन सा यहां पे कितना प्राइसिंग पे आपको मिलेगा, तो यहां पे आपको ये वाला NVMe क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर 3,850 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है, काफी बेहतरीन डील है, डेफिनेटली इसको इंक्लूड कर लो इस बिल्ड के अंदर। अब यहाँ पे आपका सारे कंपोनेंट को पावर अप करने के लिए आपको यहाँ पे पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पावर सप्लाई ऐसा मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर जब आप चीजें अपग्रेड करो तो आपको पावर सप्लाई के बारे में सोचना नहीं पड़े। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा 550 वाटेज का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड वाला एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ये वाला पावर सप्लाई का इस्तेमाल करो, काफी सही पावर सप्लाई है,
बजट के अंदर रहेगा 550 वाट 80 प्लस ब्रोंच, ये वाला पावर सप्लाई आपको ऑफर करता है। बहुत अच्छा 3 साल का वारंटी भी आपको इसके साथ मिलता है, फ्लैट केबल के साथ आता है, देखने में भी काफी सही है। तो इस वाले पावर सप्लाई का इस्तेमाल करोगे तो इन फ्यूचर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। बात करते हैं इसका प्राइसिंग की, तो ये आपको एम्प्रेस कंप्यूटर के अंदर 2850 के आसपास देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा डील है, डेफिनेटली इंक्लूड करना आप इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट है कैबिनेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब कैबिनेट के अंदर आप खुद से भी कोई सा भी कैबिनेट इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको मिनिमम माइक्रो ATX मदरबोर्ड का सपोर्ट मिले, ताकि ये वाला मदरबोर्ड उसके अंदर लग जाए। लेकिन अभी के लिए अगर आप बजट के अंदर रह के RGB का नशा करना है और अच्छे खासे थोड़ा बहुत एयर फ्लो मिलेगा, तो आप इस कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हो जो आता है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, IS211TG। इस कैबिनेट के सामने की तरफ आपको मेश डिजाइन देखने को मिलता है, एक फैन आपको देखने को मिलेगा RGB वाला, और पीछे भी एक फैन देखने को मिलेगा RGB वाला फॉर एग्जॉस्ट। साइड पर आपको ग्लास पैनल मिलता है, PSU सराउंड है, ऊपर की तरफ डस्ट फिल्टर है, मतलब सब कुछ मिलाकर ये वाला कैबिनेट एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है, गेमिंग लुक प्रोवाइड करता है। तो इस वाले कैबिनेट को आप इंक्लूड कर सकते हो बजट के अंदर, देखिए काफी अच्छा कैबिनेट है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको इंप्रेस कंप्यूटर के अंदर 2800-850 का देखने को मिल जाएगा, काफी सही डील है, डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो आप इस बिल्ड के अंदर। तो पीस बिल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब टोटल बजट यहाँ पे आपको 46,500 के आसपास देखने को मिल जाता है, जो सफिशियंट है। 40-45,000 के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन पीसी बिल्ड मिल रहा है। अभी के लिए 1080p लेवल का गेमिंग एंड फ्यूचर प्रूफ दोनों कंडीशन में ये वाला बिल्ड काफी सही है। पबजी, फ्री फायर, वैलोरेंट, इस तरीके का जो सारे गेम है, आप आराम से 60-50 FPS तक बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, साथ साथ उसको आप स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे, ठीक है। इन फ्यूचर आप ग्राफिक्स कार्ड पेयर करोगे तो भाई बहुत ही ताबड़तोड़ गेमिंग होने वाला है, क्योंकि 3600 जो प्रोसेसर आता है राइजन, उससे भी बढ़िया प्रोसेसर ये है, क्योंकि इसके अंदर आपको 5000 सीरीज का सपोर्ट मिलता है, तो उससे बढ़िया ये परफॉर्मेंस आपको निकल के देगा। तो अभी बात कर लेते हैं आज का फीचर कमेंट की। तो आज का फीचर कमेंट आता है ट्रूलीफाई की तरफ से। इस भाई ने कहा है, अब लगता है स्मॉल क्रिएटर अपना बेस्ट देता है वीडियोज बनाने में, योर वीडियोज ग्रेट प्रो, कीप इट अप। तो ट्रूलीफाई, जी हाँ, आपने बहुत सही किया कि मैं अपने वीडियोस के अंदर ना बेस्ट दे देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिले। अब बात करें कल रात की, तो मैंने आसपास 5 बजे के आसपास सोया था, और उसके बाद आज 10 बजे उठ के वीडियो को मैंने शेयर किया, पब्लिक किया। तो मतलब हार्डवर्क और मेहनत तो बहुत लगा रहता है, बेस्ट एफर्ट में देता हूँ, लेकिन उसके साथ अगर आपका सपोर्ट बन जाता है ना, तो और भी अच्छा लगता है। खैर, आज का ये वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।